हेलो फ्रेंड, शर्मा है और मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर कमांड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी एक मैटर लिख लेता हूँ। ये मैंने मैटर लिख लिया। मैटर लिखने के बाद अगर मैं मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरा जितना भी डाटा है, डाटा सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ ऑल बॉर्डर, तो इस पर किनारे किनारे देखिए बॉर्डर आ जाएगा। अगर मुझे हटाना है तो मुझे इसे सेलेक्ट करने के बाद मुझे करना होगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर से जो भी डाटा है, जो भी बॉर्डर है डाटा पे, वो हट जाएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ बॉटम साइड में, तो बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे जिस साइड पे क्लिक करेंगे उसी साइड में ऐसे एक एक करके बॉर्डर आ जाएंगे। अगर बॉर्डर को हटाना परमानेंट तो नो बॉर्डर करके हटा सकते हैं। इसके अलावा एक आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे क्या होता है कि एक लाइन आ जाएगी ऐसे। बस ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि कोई भी अगर लाइन लेना तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है मैटर ड्रॉ टेबल का, जिससे आप किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप ये जो पेंसिल है इसका यूज कर सकते हैं आप कोई भी टेबल के बॉर्डर को बनाने के लिए। कितना भी बॉर्डर का साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं। एक इरेजर आता है, यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं चाहें तो। और अगर आप होम में दोबारा टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर भी इरेजर आएगा, इसके अंदर आता है इरेजर। सॉरी, इरेजर यहाँ पे नहीं है, वहीं पे इरेजर है, तो यहीं से आप इरेज कर सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करके डिजाइन, ये रहा इरेजर, इरेज कर सकते हैं। अच्छा, इरेज कर लेता हूँ मैं सारा डाटा। होम पे जाते हैं दोबारा, टेबल में यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल के बाद व्यू ग्राइड लाइन, ये नहीं चलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ड्रॉ टेबल हो गया, व्यू ग्राइड लाइन नहीं चलेगा। और बॉर्डर एंड शेडिंग का क्या यूज है, यहाँ से भी आप बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी मैटर लिख लिया, दोबारा सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग पे, तो आप बॉर्डर कैसा लेना चाहते हैं, बॉर्डर की लाइनें सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं। और जब आप ओके करेंगे तो वैसे किनारे किनारे बॉर्डर और वही सेट हो आ जाएगा। अगर मैं इस टेक्स्ट के अंदर सिर्फ शेडिंग लेना चाहता हूँ, तो शेडिंग के पे क्लिक करेंगे और शेडिंग पे जैसा यहाँ से भी कलर ले सकते हैं शेडिंग के लिए। और यहाँ से सिंपल ब्लैक एंड वाइट कलर मिलेगा शेडिंग, और ओके करेंगे तो वैसी ही शेडिंग आ जाएगी पेज पे। अगर मुझे पूरे पेज पे बॉर्डर चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर का, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर ये पेज बॉर्डर। इस पर जैसा भी पेज का बॉर्डर सेट करेंगे आप और ओके करेंगे, वैसा ही बॉर्डर आ जाएगा। देखिए पूरे पेज पर आ जाएगा। तो ये था आज एमएस वर्ड में बॉर्डर कमांड। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।